हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लक्की व्लॉग्स। और दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूँ गुड़गांव के फारूक नगर में। इस फारूक नगर में मैं आपको इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे मैं एक महल दिखाने वाला हूँ जिसका नाम है शीश महल। पीछे आप मेरे देख रहे होंगे, ये शीश महल है। इसके शीशे तो इस टाइम बिल्कुल टूट चुके हैं क्योंकि काफ़ी पुराना है ये। कितना पुराना है पूरी डिटेल बताऊँगा यहाँ का, और ये किसका महल था वो भी बताऊँगा आपको। तो इसकी क्या टिकट है, टाइमिंग क्या है, पूरी डिटेल बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो में पूरे बने रहिएगा लास्ट तक अगर आप इसकी पूरी जानकारी देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और इसमें दिखाते हैं आपको फारूक नगर का शीश महल। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो भारत के राज्य हरियाणा में जो गुड़गांव जिला है वहाँ पर है ये फारूक नगर और यहाँ पर है ये महल। जी हाँ, बाहर से इसका मेन गेट आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, बाहर ही आपको एक बोर्ड भी दिख जाएगा जिसके ऊपर इसकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, पूरी डिटेल लिखी हुई है महल के बारे में। यहाँ लिखा हुआ है कि यह शीश महल फौजदार खान का आवासीय महल था। औरंगजेब के प्रपौत्र सम्राट फारूक सियार ने फौजदार खान को राज्यपाल बनाया था और इसी फौजदार खान ने इस महल का निर्माण 1733 ईस्वी में किया था दोस्तों। तो यहाँ पर एक दीवान आम भी है जो कि बलुआ पत्थर से बनाया गया था, जो एक आयताकार संरचना है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं अंदर। और ये है इसका मुख्य द्वार जो कि काफ़ी मजबूत बनाया गया है, लोहे की कीलें इसके अंदर लगाई गई हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस महल की चार दीवारी में घुसने के लिए आपको एक मेहराबदार दरवाजे से अंदर गुजरना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये देखिए, ये वही है मेन दरवाज़ा। यहाँ से एंटर करते ही दोस्तों सामने आपको कुछ इस तरीके का व्यू दिखेगा, आप देख सकते हैं सामने, वो सामने है शीश महल। इस मेहराबदार दरवाजे को अगर हम अंदर से देखें तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा दोस्तों। अब काफ़ी पुराना हो चुका है ये, और इसके अंदर आने के लिए आपको ये 10 रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी तभी आप इसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से देखिए दोस्तों, अंदर आने के बाद ये आपको अंदर एक ये पार्क दिखेगा जो कि काफ़ी अब अच्छे तरीके से इसको मेंटेन किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि महल के बीचों बीच 1857 में जो शहीद हुए थे उनकी याद में एक स्मारक भी बनाया गया है। ये देखिए, आप दूर से देख सकते हैं इसको। अंदर से कुछ इस तरीके का व्यू है ये, जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अब इसके चारों तरफ मकान वगैरह बन चुके हैं और बीचों बीच है ये शीश महल। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये सामने आपको दिख रहा है शीश महल, जो कि अभी आपको अंदर जाके आपको यहाँ की पूरी डिटेल बताऊंगा और उसकी अंदर से भी दिखाऊंगा वीडियो। ये दोस्तों देख सकते हैं आप नज़दीक से किस तरीके का दिखाई दे रहा है, ये दूसरे एंगल से मैं आपको दिखा रहा हूँ। और वो सामने देखिए, वो है मेन गेट, वहाँ से एंटर करेंगे और यहाँ से ये घूम के आप यहाँ से ये अंदर आ सकते हैं इस तरफ। तो दोस्तों, बाहर ही आप देख सकते हैं यहाँ कुछ ये छोटी सी एक जगह बनी हुई है, छोटा सा तालाब है यहाँ पे, इसमें पानी भरा करते थे पहले। और ये है सामने से इसका व्यू, बाहर से आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी नक्काशी इसमें आपको देखने को मिलेगी। ये है दोस्तों अंदर का व्यू, आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत बनाया गया था इसको। और ये देखिए, राइट साइड में भी आप देख सकते हैं 2 मंजिला ये दिख रहा है यहाँ से। ऊपर जाके भी आपको दिखाएंगे कि ऊपर से कैसा दिखता है। और ये देखिए दोस्तों, इसकी छत आप देख सकते हैं लकड़ी की बनाई गई है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है वो। ये देखिए दोस्तों, आप इसकी छत को देख सकते हैं, लकड़ी से बनाई गई है और अभी तक बिल्कुल ठीक ठाक है ये, आप देख सकते हैं। और यहाँ से चलेंगे हम ऊपर और अब आपको ऊपर जाके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये आप ऊपर से इसका लुक देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ बनाई गई हैं, काफ़ी हवादार बनाया गया था इसको। और ऊपर से देखिए कितना प्यारा लुक दिख रहा है, ये देखिए।
और ये देखिए कितना प्यारा लुक लग रहा है ऊपर से। यहाँ से देखिए आप व्यू, देखिए आप जबरदस्त महल दिख रहा है दोस्तों। ये है फारूक नगर का शीश महल, आप देख सकते हैं। और ऐसी ऐतिहासिक बिल्डिंग बहुत सारी आपको दिख जाएंगी इंडिया के अंदर, जिसका लोगों को अभी तक नहीं पता, और मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। ये ऊपर से भी आप देख सकते हैं, बाहर का व्यू कुछ इस तरीके से दिखेगा। वो सामने मेन गेट है। तो दोस्तों आप इसकी डिटेल देख सकते हैं, पास से मैं आपको दिखा रहा हूं कितना पुराना महल है, फिर भी आज तक इसकी हालत काफ़ी ठीक ठाक है अगर हम देखें तो। ये भी काफ़ी पुरानी छत है और ये दीवारें कुछ खंडर हो चुकी हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं कितनी छोटी छोटी ईंट लगाई गई थी इसके अंदर। और अब कुछ इस तरीके से इसकी हालत हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगती हैं तो इस पर कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और आप कौन कौन सी जगह देखना चाहते हैं मुझे वो भी आप बता सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, ताकि मैं उस जगह पे जाके वहाँ की भी वीडियो बना सकूँ और आप तक सारी जानकारी पहुँचा सकूँ। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको भी लाइक करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों को भी पता चल सके कि कहाँ कहाँ क्या क्या देखने लायक है। तो चलिए और आगे चलते हैं और दिखाते हैं इस शीश महल की और डिटेल। और इस साइड से देखिए दोस्तों, यहाँ भी काफ़ी अच्छा खुला खुला एरिया है ऊपर। कभी इसके ऊपर छत हुआ करती थी, लेकिन आज इतना पुराना होने की वजह से यहाँ से छत गायब हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे छत थी पहले, कितना अच्छा रहा होगा उस टाइम ये आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये नीचे कमरे बने हुए थे, अंदर से ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं दोस्तों। छत देखिए आपको लकड़ी की छत दिखेगी अंदर से, ये देख सकते हैं आप। दोस्तों इस महल को बनाने के लिए लाल बलुआ पत्थर, लाखौरी ईंट और झज्जर स्टोन का इस्तेमाल किया गया था, और इसको फौजदार खान ने अपनी रानी के लिए बनवाया था। और ये दोस्तों ये देखिए पीछे का हिस्सा, इस महल के पीछे जो ये खाली जगह है, ये कुछ इस तरीके से हो चुकी है इस टाइम। पीछे से ये महल कुछ टूट चुका है, कुछ उसके अवशेष बचे हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए वो सामने आप देख सकते हैं, इस साइड नज़र मारें, ये देखिए यहाँ पे छत होती थी पहले, लेकिन अब ये छत टूट चुकी है। और ये देखिए ये छोटी वाली ईंट जो होती थी पुराने ज़माने में, इसको यूज़ किया जाता था। और ये देखिए दोस्तों चारों तरफ अब यहाँ पे जो ये एरिया है, इसमें चारों तरफ मकान बन चुके हैं, कॉलोनी बन चुकी है, और उसके बीचों बीच में है ये शीश महल। चारों तरफ आप देख सकते हैं मकान बन चुके हैं यहाँ पे, इस साइड भी देख सकते हैं आप, और उसके बीच में है ये महल। कभी भी आप यहाँ गुड़गांव में आएँ, फारूक नगर में, तो इस महल में एक बार अवश्य आना, इतिहास की आपको ये याद दिलाएगा। इसके साथ कई कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, और भी इसके बारे में आपको डिटेल बताते हैं अंदर जाके। इस साइड से भी आप देख सकते हैं ऊपर से, यहाँ देखिए नीचे, ये दोस्तों यहाँ पूरी छत थी, जो कि ये बीच का हिस्सा टूट चुका है, इधर आप देख सकते हैं।
ये देखिए ये हिस्सा भी यहाँ से टूट चुका है, ये देखिए अंदर से। तो यहाँ से दोस्तों पीछे से अब हम नीचे चलते हैं सीढ़ियों से और अंदर जाके आपको पीछे से दिखाते हैं कि क्या हालत है इस टाइम। यहाँ से देखिए सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं। ये दोस्तों ये आप देख सकते हैं पीछे से इस महल की क्या हालत हो चुकी है, काफ़ी खस्ता हालत में है पीछे से। लेकिन अभी भी इतना पुराना होने के बावजूद भी यहाँ पे ये आपको देखने को मिल रहा है, इतना ही बहुत है। ऐतिहासिक चीज़ है ये ऐतिहासिक महल, कभी भी आप यहाँ पे आएँ तो अवश्य देखें एक बार। इस साइड देखें आप दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये आप डिटेल से देख सकते हैं नज़दीक से। एक मिनट, ये देखिए दोस्तों पीछे से क्या हाल है इस टाइम इस शीश महल का। हमें पूरे महल में कहीं शीशा तो दिखा नहीं, लेकिन कभी यहाँ पे काफ़ी सारे शीशे लगाए गए होंगे जिसकी वजह से इसका नाम रखा गया था शीश महल। ये वाला हिस्सा देखिए दोस्तों, यहाँ से कुछ अंदर जाने का रास्ता है, आपको दिखाते हैं अंदर जाके कि अंदर इस साइड क्या है। तो चलिए अंदर चलते हैं यहाँ से, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों महल में आपको ये वाला एक हिस्सा दिखेगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये सामने देखिए ये है जेल, आप देख सकते हैं जेल की सलाखें। यहाँ कैदियों को रखा जाता था उस टाइम। और दोस्तों यहाँ पे देखिए इस ये जो गेट है इसका जो ताला है वो इस साइड है, यहाँ पे देखिए कुंडी लगी हुई है, ये देखिए आप देख सकते हैं, ताकि इसको कोई भी कैदी खोल ना सके। दरवाजे से थोड़े से गैप में ये कुंडी लगाई गई है इस साइड, ताकि उसका हाथ ना पहुँचे और भागने की कोशिश ना कर सके। ये आप देख सकते हैं अंदर से, ये देखिए इसकी छत। और यहाँ से आगे चलते हैं तो दोस्तों ये है एक और जेल, और यहाँ से इधर चलते हैं अगर हम तो आगे दोस्तों यहाँ पे ये फांसी घर है, ये देखिए ये कमरा आप देख सकते हैं, ये चारों तरफ से कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। ये फांसी घर है, इसमें फांसी दी जाती थी। ऊपर से आप देख सकते हैं छत इसकी खुला थी, ऊपर से खुली हुई है, यहाँ पे कैदियों को फांसी दी जाती थी। और ये है पीछे जाने का रास्ता। तो दोस्तों ये देखिए ये वाले हिस्से में मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। कहते हैं कि इस महल में अलग अलग जगह पे कई सुरंग भी बनी हुई हैं। तो यहाँ से एक सुरंग जाती थी जो कि यहाँ से कुछ दूरी पे एक रानी की बावड़ी बनी हुई है। यहाँ की जो रानी थी वो वहाँ पे नहाने के लिए जाया करती थी इसी सुरंग के रास्ते। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सामने वो सुरंग है जो कि अब बंद कर दी गई है, जो कि मैं आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में रानी की बावड़ी की वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरी डिटेल बताऊंगा।
हाँ तो दोस्तों, यहाँ के बारे में मैंने पूरी आपको डिटेल बता दी है, पूरा महल आपको घुमा दिया है। इस शीश महल में क्या क्या देखने लायक था वो सारी चीज़ मैंने आपको दिखाई है। कितना पुराना हो चुका है वो आपने देखा होगा। यहाँ पे मैंने आपको जेल भी दिखाई और यहाँ पे जो फांसी घर था वो भी दिखाया। यहाँ पे और क्या क्या खास था वो सारी चीज़ मैंने आपको दिखा दी है, कितना पुराना है सारी डिटेल बताई है। ऐसी और भी बहुत सारी मैं वीडियो बनाता रहता हूँ अच्छी अच्छी जगह की। तो दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं, ऐसी और भी अलग अलग जगह की वीडियो देखना चाहते हैं, उसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन पे प्रेस करें, ताकि जितनी ऐसी नई वीडियो आने वाली हैं अलग अलग जगह की, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, जल्दी ही मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तो बने रहिएगा मेरे साथ और देखते रहिए लक्की व्लॉग्स।